सागरपुर नाम का एक गांव था। वहां एक चुड़ैल रहा करती थी। गांव के जंगल में एक गुफा थी जहां पर चुड़ैल ने अपना घर बना लिया था। वो अक्सर लंबी नींद सो जाया करती थी और महीने में सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही गुफा से निकलती थी शिकार के लिए। एक दिन चुड़ैल पूरे 2 हफ्ते बाद नींद से सोकर उठती है। आहा, इस बार तो बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब जरा गांव में घूम लिया जाए, चलकर देखें तो कि आखिर क्या चल रहा है बाहर। चुड़ैल गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। टहलते टहलते वो देखती है कि गांव में काफी सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे मानो वहां कोई हो ही ना। अरे रे, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा, आखिर सब कहाँ है? तभी गांव की चुड़ैल की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर एक दूसरी चुड़ैल बैठी थी जिसने काफी स्टाइलिश जींस और टॉप पहन रखे थे। अरे रे, तू कौन है और मेरे गांव में क्या कर रही है? भूतों की दुनिया में मैं चमेली के नाम से जानी जाती हूँ और मैं शहर से यहाँ आई हूँ। क्या, चमेली? बड़ा ही बचकाना नाम है। ये सभी गांव वाले कहाँ गए? सब मुझसे डर कर अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। चमेली पेड़ पर लटके लटके अंगूर खा रही थी। अपनी बात कहने के बाद शीला अंगूर का बचा हुआ गुच्छा गांव की चुड़ैल पर फेंक देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरे ही एरिया में मुझसे ही बदतमीजी कर रही है। बस बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। क्या तेरी जगह? पर मैं तो पिछले 1 हफ्ते से भटक भटक कर यहाँ के लोगों को खा रही हूँ, तब तो नहीं दिखी तू मुझे। अरे तो क्या हुआ, मैं तो बस अपनी गुफा में सो रही थी, तो क्या कोई भी आकर मेरी जगह ले लेगा? देखो, ये सब मुझे नहीं पता, अब तो मैं यहीं रहूँगी। हाँ, मगर यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। यहाँ के घरों में तो एसी भी नहीं है, मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। ओहो, और यहाँ तो मच्छर भी बहुत है। गांव की चुड़ैल को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है। वो मन में सोचती है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर से आई चुड़ैल की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गांव की चुड़ैल चमेली से कहती है, सुन, अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुझे मार डालूंगी। तू और मुझे मारेगी? पर वो कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक देहाती चुड़ैल से नहीं हार सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। वापस शहर जाऊंगी तो बाकी भूत चुड़ैलों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो ठीक है, चल फिर हो जाए एक मुकाबला। जो जीता वही इस गांव में रहेगा, यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाएगा, और जो हारेगा वो दुम दबाकर वापस भागेगा, और वो भी बिना कोई नाटक किए। ठीक है, मंजूर है, तो फिर हम एक खेल खेलेंगे। जिसने भी गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर सबसे पहले 3 लोगों को मार दिया वही जीतेगा। जरूर, क्यों नहीं। तो हम ये मुकाबला कल शुरू करेंगे ताकि गांव वालों को इसके बारे में पता ना चले, अभी जाकर कहीं छुप जा। ठीक है, टाटा देहाती चुड़ैल। वैसे भी तेरे इस गांव में ये आखिरी दिन होने वाला है। गांव की चुड़ैल ये सुनकर बड़बड़ाती हुई अपने गुफा में चली जाती है। पर दोनों चुड़ैलों की बातें पंकज नाम का एक लड़का सुन रहा था। वो ये सब सुनकर डर जाता है। अरे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कल हमारे गांव के कई लोग मारे जाएंगे। ये चुड़ैल आपस में लड़ रही हैं और इससे नुकसान हमारा होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों चुड़ैल ही इस गांव से भाग जाए। जल्दी से चलकर सबको ये सारी बातें बताता हूँ। पंकज कुछ देर सोचने के बाद अपने दो दोस्त राहुल और सौरभ को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ पंकज, तूने हमें घर क्यों बुलाया? तुझे पता नहीं क्या, आजकल गांव में शहर से आई चुड़ैल घूम रही है और बाहर बहुत खतरा है इस समय। हाँ हाँ, मेरी दादी ने भी घर जल्दी आने को कहा है। तू जल्दी बता तुझे क्या काम है और फिर मैं अपने घर जाऊँ। अरे, तुम लोगों को पता है कि गांव में एक नहीं बल्कि दो दो चुड़ैल हैं। एक जो शहर से आई है और एक जो गांव में हमेशा से रह रही है, और उनके बीच आज बहस हो रही थी। मैंने उनकी सारी बहस सुन ली। कल वो दोनों लोगों को मारकर खाने का एक मुकाबला करेंगी जिसमें कई गांव वालों की जान जा सकती है। क्या, तो अब क्या करें? हमें जल्द से गांव वालों को यहां से जाने को कहना चाहिए। नहीं नहीं, ये कोई हल नहीं है। कल तक गांव खाली करना नामुमकिन है।
और सब इसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। क्या सांप? पर हमें तो चुड़ैल को भगाना है ना, सांप बीच में कहां से आ गया भैया अब? अरे तो चुप कर राहुल, बस हमारी बात ध्यान से सुन। पंकज सौरभ और राहुल को अपना सारा प्लान अच्छे से समझा देता है। पर ये सब तो काफी खतरनाक है यार, बस एक गलती और हमारी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। चुप हो जा सौरभ, और जैसा जैसा पंकज कहता है वैसा वैसा कर। हाँ तो राहुल और सौरभ, पूरा गांव हमें नाकारा और बेवकूफ समझता है। उन्हें हमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। उन्हें लगता है कि हम लोग धरती पर बोझ है। अब सिर्फ ये दोनों चुड़ैल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इनकी मदद से हम पूरे गांव में मशहूर हो सकते हैं और उन्हें ये यकीन दिला सकते हैं कि हम बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार हैं। वाह पंकज, क्या बात बोली तूने, मैं तेरा साथ जरूर दूंगा, भले इन सब में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, फिर मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि गांव वाले हमारा ये बलिदान हमेशा याद रखेंगे। अगले दिन प्लान के मुताबिक पंकज, राहुल और सौरभ तीनों सुबह जल्दी ही उठकर सभी घरों के बाहर से ताला लगा देते हैं, जिससे सब लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर से चिल्लाते हैं, अरे निकम्मो, ये क्या नाटक कर रहे हो? सुबह सुबह हम सबको अंदर कैद क्यों कर दिया? मार मांग रहे हो क्या? अरे चाचा जी, आपको नहीं पता, हम तो आपकी जान बचा रहे हैं। चलो एक काम तो हो गया, अब कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, इससे इन सबकी जान सुरक्षित है। हाँ अभी तो ये लोग हम पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि हमने इनकी जान बचाई है तब ये हमें शाबाशियां देंगे। चलो अब हम भी छुप जाते हैं, वो दोनों चुड़ैल आती ही होंगी। फिर राहुल, सौरभ और पंकज तीनों एक पुराने घर में छुपकर चुड़ैलों के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में शहर की चुड़ैल शिकार के लिए निकलती है। शहर की चुड़ैल गांव भर में लोगों को ढूंढती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जल्दी जल्दी से मैं जाकर तीन लोगों को मार के खाती हूँ, लेकिन अभी वो गवार चुड़ैल तो सो रही होगी। जब तक वो उठेगी तब तक मैं अपना काम पूरा भी कर लूंगी और फिर उसे टाटा बाय बाय कह दूंगी। शहर की चुड़ैल गांव भर में लोगों को ढूंढती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है, कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? चलो चलकर सबके घरों में देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। शहर की चुड़ैल देखती है कि लोग अपने अपने घरों में बंद थे और किसी ने बाहर से ताला लगा दिया था। अरे ये सब किसने किया, अब मैं क्या करूँ? ओह मेरे लिए तो अच्छा ही है, जैसे मुझे गांव में कोई भी नजर नहीं आया वैसे ही उस गवार चुड़ैल को भी लगेगा कि गांव में कोई भी नहीं है। अब वो मेरी तरह स्मार्ट तो नहीं है जो वो सच जान पाए। हाँ पहले चलकर उसे बेवकूफ बनाती हूँ और फिर आराम से आकर इन लोगों को खाऊंगी। ये सब तो वैसे भी कैद है तो ये कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। ये क्या बात है, आज कोई भी गाँव वाला नजर क्यों नहीं आ रहा है? शहर की चुड़ैल ने मौके का फायदा उठाया और गांव की चुड़ैल से कहा, नजर कैसे आएगा, मैंने सबको खा जो लिया है। क्या सबको खा लिया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भला तू सबको एक साथ कैसे खा सकती है? अरे तेरा हाजमा खराब होगा, मेरा पेट तो बहुत मजबूत है, मैं तो एक साथ 150 इंसानों को खा ही सकती हूँ। और जब एक बार मैंने लोगों को खाना शुरू किया तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सबको खा लिया। क्या, लेकिन ये तो तूने गलत किया, हमारे बीच में तो केवल तीन लोगों को खाने की बात हुई थी। अब क्या, जब इस गांव में लोग ही नहीं बचे तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी? इतना कहकर गांव के चुड़ैल गांव को छोड़कर चली जाती है। पीछे से शहर से आई चुड़ैल काफी खुश होती है। आखिर थी तो ये गांव की गवार चुड़ैल ही ना, इसे छुटकारा पाना कितना आसान था। इतनी जल्दी ये मेरी बातों में आ गई और मेरे जाल में फंस गई। अब चलती हूँ और चलकर मजे से गांव के लोगों को खाती हूँ, मैं तो थक गई रे बाबा। चुड़ैल वापस गांव जाती है और देखती है कि सभी घरों के ताले टूटे हुए हैं और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हुआ, ये सब लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए? अभी तक तो सब अपने घरों में कैद थे और बाहर से ताला भी लगा हुआ था। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी कुछ लोग उस पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये अचानक इतने लोग कहाँ से आ गए? अरे बाप रे बाप, हमने तुम्हारे लिए जाल बिछाया और तुम उसमें फंस भी गई। अभी तक इन लोगों को हम ही ने घरों के अंदर कैद कर रखा था,
ताकि तुम पहले उस चुड़ैल को हमारे रास्ते से हटा दो और फिर तुमसे तो अब हम निपट ही लेंगे। ये तो मेरे साथ बड़ा ही धोखा हो गया। मैं अच्छी भले शहर में मजे से रह रही थी, यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सभी लोग मिलकर चुड़ैल की जमकर पिटाई करते हैं और फिर उसे गांव से भगा देते हैं। इसके बाद गांव वाले सुकून से रहते हैं। भूतिया बंगला। एक बार की बात है, कई सालों पहले रिमझिमपुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है, मैं खुद किसी साए को हवेली में जाते हुए देखा हूँ। अरे नहीं मोहन भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पर चुड़ैल का साया है, मैंने दो पायलों की आवाज सुनी है। अरे नहीं चचा, वहाँ चुड़ैल भूत नहीं बल्कि राक्षस का साया है। बात तो सही है, मैंने भी हंसने की बहुत आवाज सुनी है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए, कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ना जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की और मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है, कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा, उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव का एक किसान का बेटा सुशील खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजर रहा होता है। जब वो हवेली के आगे से डरता हुआ गुजरा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है? मेरा नाम श्वेता है, मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते रहते हैं पर हमने भूत तो नहीं देखा कभी। अच्छा, पर यह तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ पर भयंकर चुड़ैल रहती है। इतना बोलकर सुशील अंदर से डरने लगा। तभी वो लड़की बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। ये क्या कह रही हो, पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? तभी सुशील मन में सोचता है, मैं फालतू में इतना डर रहा हूँ, ये लड़की एक लड़की होकर नहीं डर रही, वैसे भी सही कह रही है, ये भूत चुड़ैल तो बस मन का वहम है। आओ मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ जिससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुशील उस लड़की श्वेता के पीछे पीछे चलने लगा। तभी अचानक सुशील को जोर का धक्का लगा और वो बहुत सारी सीढ़ियों से नीचे गिर गया। गांव वाले दौड़कर सुशील के पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। सुशील ने मुंह से बस यही निकाला, हवेली लड़की श्वेता। इतना बोलकर सुशील दम तोड़ देता है। अब तो गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। सबको अब यकीन हो गया था कि हवेली में श्वेता नाम की चुड़ैल का साया है जिसने सुशील को मार दिया। इस घटना के अगले दिन जमींदार साहब का बेटा पंकज अपने दोस्त राहुल के साथ गांव आ रहा होता है। हे भगवान, शाम हो गई है, हवेली के आगे से गुजरना होगा। अरे पंकज भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे पंकज, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है, चुड़ैलों का साया? गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, ये सब अंधविश्वास है, हम सब ये नहीं मानते। भैया आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया है, बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मान कर चले गए। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका से आए हैं, हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। अगर हमें सच में भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो छुट्टियां मनाने में मजा आ जाएगा, क्यों पंकज? अरे गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं, लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है साहब, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा,
ये सब हवेली की चुड़ैल का काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। पंकज भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। यार ड्राइवर तुम पहले घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी चूहा भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वो गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए पंकज और राहुल उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पंकज, तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। पिताजी हम अमेरिका से पढ़ कर आए हैं, हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है उस हवेली पर कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई हो, हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। ठीक, अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन अपने साथ दो गार्ड, दो बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान ले जाओ। फिर अगले दिन दोनों दोस्त अपने साथ दो गार्ड को लेकर हवेली पहुंचते हैं और वहां पर साफ सफाई कर सो जाते हैं, लेकिन तभी उनका बेड हवा में उड़ने लगता है। अरे पंकज ये क्या हो रहा है? अरे ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है और गाने की आवाज़ भी आ रही है। अरे खुशबू, ये तो कमल के फूल की खुशबू है, लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? इतनी मीठी आवाज़ तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर ये सब हम लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। तभी अचानक सामने अपने आप स्वादिष्ट खाना बनकर प्रकट हो जाता है। राहुल क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, यह हवेली तो सचमुच भूतिया है। नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता, मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। ये किताब दूसरी दुनिया की परियों की है जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती थी। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था जहाँ पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। ये अतिथि गृह क्या होता है? यानी कि गेस्ट हाउस। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हमें चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। उसके बाद वो परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। मैं रूप परी हूँ, हमारे इस घर में आपका स्वागत है मानव, हमें खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। आप दोनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, क्या तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ भूख तो लगी है। उसके बाद परियां दोनों को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती हैं, फिर कहती हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी इस हवेली की सफाई करने में? हाँ क्यों नहीं। फिर सभी हवेली की साफ सफाई में लग जाते हैं। आवाज सुनकर पंकज के दोनों गार्ड हवेली में आ जाते हैं। जब दोनों गार्ड हवेली के अंदर आते हैं तो उसे पंकज और राहुल हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर परियां नहीं दिखाई देती। ये देखकर वो डर कर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुंचते हैं। जमींदार साहब गजब हो गया, पंकज भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया, वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरे बच्चों को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने अपने कब्जे में किया है, क्योंकि वहाँ से लड़कियों की आवाज आ रही थी, वो गाना भी गा रही थी, हमने पायलों की आवाज भी सुनी थी। राहुल और पंकज अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है उन दोनों परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पंकज और राहुल, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी है, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन सुशील पर जो हमला हुआ वो कैसे हुआ? मैं यही बताना चाहती हूँ कि सुशील पर हमला हमने नहीं किया, हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। और जब उस दिन परियां सुशील की मदद करने की कोशिश की तो तस्करों ने सुशील को हवेली के अंदर आते देख लिया और उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया,
ताकि उनका रहस्य किसी और को पता न चल जाए। क्या वो तस्कर आपको नहीं देख सकते? नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसको हम खुद दिखाना चाहेंगे। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिशें की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमारे गांव के रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया है। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम अगले हफ्ते सभी गांव वालों के साथ दिवाली मनाने यहां जरूर आएंगे। उसके बाद पंकज और राहुल वहां से चले जाते हैं और हवेली की सारी कहानी गांव वालों को बताते हैं और पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आप इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इन्होंने सुशील की हत्या भी की है। फिकर नॉट पंकज जी, अब आप सभी गांव वालों को भी इस हवेली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत, समझदार बनो, ले चलो रे इसे। गांव वालों को पंकज की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपक से सजाया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है, फिर परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं। गोरी वर्सेस काली लड़की का बर्थडे। एक समय की बात है, नैना भोपाल नाम के शहर में रहा करती थी। नैना एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, परंतु नैना की क्लास में उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और इसका कारण था नैना का रंग। नैना दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, जिस वजह से लोग उसके साथ दोस्ती रखना पसंद नहीं करते थे, और अगर कोई दोस्ती करना भी चाहता था तो मोहिनी उन्हें अपनी तरफ कर लेती थी। मोहिनी नैना की क्लास में ही पढ़ती थी। मोहिनी दिखने में अपने नाम की तरह बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग गोरा चिट्टा था और वो बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे अपने चेहरे पर घमंड था, इसलिए वो दूसरे लोगों का मजाक बनाया करती थी। आज तो सीट चेंज हो रही है, पता नहीं किसकी किस्मत फूटी होगी जो इस काली कलूटी नैना के साथ बैठेगा। मैं हूँ ना, मैं बैठूंगी नैना के साथ। अरे क्या यार पूजा, तुझे कितनी बार कहा है इस नैना का साथ छोड़ दे, मेरी टीम में आ जा। कहीं तू इसके साथ ज्यादा रही तो तेरा रंग भी इसी की तरह हो जाएगा। रंग कोई बीमारी नहीं है जो एक दूसरे को फैल जाएगा। और दूसरी बात, नैना का रंग बहुत ही सुंदर है और वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम लोगों की सोच ना जाने कब बदलेगी। नैना, तो इन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं? जाने दो पूजा, मेरी माँ कहती है अगर हम बुरे के साथ बुरा ही करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। नैना ऐसी ही थी, वो बहुत ही भोली थी। उसे किसी की बात का पलटकर जवाब देना नहीं आता था। वो हर किसी की बात मन में ही सह लिया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मोहिनी अपनी कुछ सहेलियों को अपने पास बुलाती है, जिसमें पूजा भी होती है। देखो फ्रेंड्स, मेरा एक हफ्ते बाद बर्थडे है, तो तुम अपने घर पर कह कर आना कि तुम लोग घर थोड़ा लेट आओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट में पार्टी देने वाली हूँ। मोहिनी, तूने नैना को इनवाइट नहीं किया? उस काली कलूटी को क्यों इनवाइट करना है? फालतू में रंग में भंग डालेगी। देख मोहिनी, अगर नैना नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। अरे यार चल ठीक है, बुला लेना। बता देना कि उसे मैंने इनवाइट किया है, लेकिन हाँ, उसे मेरी फोटोज से दूर रखना। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल खराब हो। मोहिनी की ये सारी बातें नैना सुन लेती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही नैना का भी बर्थडे था। परंतु जैसे ही वो पूजा को अपनी तरफ आते हुए देखती है, अपनी आंखें पोंछ लेती है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। नैना, एक हफ्ते बाद मोहिनी का बर्थडे है, तो हम लोग उसके बर्थडे पार्टी में जाएंगे, ठीक है? पर मोहिनी ने तो सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया है, फिर मेरा वहां क्या काम? देख, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, अब सोच ले। ठीक है, पर हम वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तभी वहां पर मोहिनी आ जाती है और कहती है, पूजा तूने बता दिया ना इसे कि मैंने इसे इनवाइट किया है? नैना, तू भी क्या याद रखेगी कि मैंने तुझे ऐसी पार्टी में इनवाइट किया
जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। ऐसा कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। मोहिनी अपने बर्थडे वाले दिन बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर आती है और अपने साथ चॉकलेट और टॉफीज लेकर आती है, जिसे वो पूरी क्लास में बांटती है। मोहिनी को ऐसा करता देख नैना की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसने कई सालों से अपना बर्थडे नहीं मनाया था और आज उसका भी बर्थडे था, पर कोई जानता ही नहीं था। बर्थडे में कितना मजा आता है, पर मेरे पापा को तो मेरा बर्थडे पसंद ही नहीं। उन्हें तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ था वो दिन ही मनहूस लगता है। आज मेरा जन्मदिन है, काश मैं भी कभी बर्थडे मना पाती। नैना ये सब सोचकर उदास हो जाती है। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां मोहिनी की सारी सहेलियां उसे गिफ्ट देती है। नैना भी मोहिनी को एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड देती है, जिसे मोहिनी बिना देखे साइड में रख देती है। फ्रेंड्स, तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है कर लो, बिल मैं पे करूंगी। पहले हम कोल्ड ड्रिंक मांग लेते हैं। वैसे नैना, तुम तो शायद ऐसे रेस्टोरेंट में पहली बार आई होगी ना। हाँ, तुम्हारी तो स्कूल की फीस भी माफ है। जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारी मम्मी ने कुछ फीस माफी का फॉर्म भर रखा है। तुम्हारे तो सही मजे हैं। हम यहाँ बर्थडे मनाने आए हैं, तो वो कर लेते हैं पहले। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे किसी और चीज पर टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। अच्छा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम लोगों को जो मंगाना है मंगा लेना। और हाँ नैना, तू मेरा एक काम कर, फर्स्ट फ्लोर पर पापा ने केक ऑर्डर कर रखा है, उसे वहाँ से यहाँ ले आ। इसके बाद मोहिनी वॉशरूम चली जाती है और नैना केक लेके थोड़ी देर में आ जाती है। तभी उन सभी को वहाँ लोग इधर से उधर भागते भी दिखाई देते हैं कि रेस्टोरेंट के रसोई में आग लग गई है। सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती है। सभी डरे हुए होते हैं। तभी नैना कहती है, अरे हम सब तो यहाँ है, पर मोहिनी तो वॉशरूम के अंदर ही है, और जहाँ तक मैंने देखा था वॉशरूम तो रेस्टोरेंट के रसोई के बिल्कुल साथ में ही है। हमें जल्दी से मोहिनी की जान बचानी होगी। तू पागल है क्या, अंदर इतनी आग लगी हुई है, तू अंदर कैसे जाएगी? पर अगर हम नहीं गए तो? नैना भागकर पीछे वाले रास्ते से रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, जहाँ वॉशरूम में से मोहिनी की जोर जोर से आवाज आ रही होती है, कोई है, बचाओ, कोई है, दरवाजा खोलो, कोई है। तुम चिंता मत करो मोहिनी, मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद नैना एक फायर ब्रिगेड वाले को अपने साथ लाती है। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड दोनों को कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकाल लेंगे। इसके बाद वो फायर ब्रिगेडियर दोनों बच्चों को सही सलामत बाहर ले आता है। नैना तूने तो कमाल ही कर दिया, हम लोग तो डर के मारे यहाँ सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन तूने तो मोहिनी की जान बचा ली। नैना तू किस मिट्टी की बनी है यार, मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुझे इतना कुछ सुनाया, उसके बाद भी तूने अपनी जान दाव पर लगा दी मेरी जान बचाने के लिए। आई एम सॉरी यार, तूने जो किया है उसके लिए मैं तेरे से जितनी बार थैंक यू बोलूं कम है। हम सब फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद करे, तो उसमें थैंक यू वाली बात कहाँ से आ गई? नैना की ये बात सुनकर मोहिनी उसे गले लगा लेती है। फिर जैसे ही मोहिनी को पता चलता है कि आज नैना का भी बर्थडे है, तो वो नैना को अपने साथ अपने घर ले जाती है और नैना के परिवार को भी बुलाती है, जहां मोहिनी के माता पिता नैना के माता पिता से जो नैना ने किया उसके लिए उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इसके बाद मोहिनी नैना का हाथ पकड़कर उसे अपने बड़े से केक के पास ले जाती है और दोनों साथ मिलकर केक काटती है। ये सब देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मोहिनी को गले लगा लेती है, और वो दिन वो बड़ी ही हंसी खुशी से मनाते हैं।